गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ट्रैक सर्किट क्या है, एसी ट्रैक सर्किट, डीसी ट्रैक सर्किट। तो सबसे पहले कोई भी रेलवे सिस्टम में जो हम लोग सिग्नल के बारे में पढ़े थे, सिग्नल देने के लिए हम कोई भी ट्रेन को सिग्नल कब देंगे, जब ये पता करेंगे कि उस सेक्शन में ट्रेन है या नहीं। अगर पहले से ट्रेन हो तो सिग्नल नहीं दे सकते हैं। अब इस बात की जानकारी लगाने का तरीका ही ट्रैक सर्किट है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको एक्सेल काउंटर बोलते हैं। तो बेशक अपन देख सकते हैं कि टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल और अ सेट ऑफ पोर्शन ट्रैक इज नोन एज ट्रेन डिटेक्शन। बेसिकली देयर आर टू मीन्स डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्रेन। अब देखिए, ट्रेन लंबी होती है, अब दूर तक देखना और उसके बाद डिसीजन देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं, जिसका हम लोग नाम दिए हैं दो ऑप्शन। एक ट्रैक सर्किट है, उसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी ट्रैक में कोई व्हीकल प्रेजेंट है कि नहीं, कोई इंजन प्रेजेंट है कि नहीं, कोई रेलगाड़ी प्रेजेंट है कि नहीं। और दूसरा है एक्सेल काउंटर, ये दोनों की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि हाँ कोई ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। और जब कोई ट्रेन अवेलेबल होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी सब के जो आपको ये रेड लाइट दिख रही है, ये दिखाता है कि लाइन पे ट्रेन अवेलेबल है, और जहाँ नहीं रहेगा लाइट मतलब ट्रेन अवेलेबल नहीं है उस वहाँ पे। तो अपने पास एक ट्रैक सर्किट और एक एक्सेल काउंटर। देखिए, ये आपने ट्रैक पे लगा देखा होगा, इसको बोलते हैं एक्सेल काउंटर। जब कोई व्हीकल, जब भी कोई रेलगाड़ी या ट्रेन क्रॉस करेगी तो उसका एक्सेल इसके सामने से गुजरेगा, और जब एक्सेल गुजरेगा तो उसको काउंट करता है कि एक गया, दो गया, तीन गया, उसको एक्सेल काउंटर बोलते हैं। बाद में जानेंगे इसे कैसे वर्किंग है। दूसरा देखते हैं कि आपका ट्रैक सर्किट, ट्रैक सर्किट में क्या होता है वो जानिए। तो बेसिक ट्रैक सर्किट जानने के लिए आप यूँ समझिए कि यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल ट्रैक सर्किट एग्जांपल है कि आपका यहाँ एक बैटरी है, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके, फिर आपका ये एक ट्रैक रिले है, एक रिले, सिंपल समझिए, रिले है जो पिकअप रहेगा और ड्रॉप रहेगा, ओके, फिर आपका केबल है कुछ, ये सब जो कनेक्शन वगैरह है, ये सब केबल कनेक्शन वगैरह है। तो सिंपल इसमें क्या है कि हमारा ये ट्रैक है पूरा लंबा सा, ठीक। अब लंबा सा ट्रैक को हमको ये चेक करना है एक खास दूरी के बीच में कि वहाँ ट्रेन है या नहीं है। कुछ सेक्शन होगा 1000 मीटर, 500 मीटर, जितना भी लंबा, उसमें चेक करना है कि उसमें ट्रेन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ट्रैक को आइसोलेट करेंगे इलेक्ट्रिकली। इस तरीके से देखिए, आपका ट्रैक है लेकिन ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ट्रैक को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर दिए। अब जब दोनों ट्रैक को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि एक जो बैटरी और ट्रैक रिले का जो कंबाइंड सर्किट था, उसको एक ट्रैक में देंगे और सेकेंड वाले को दूसरी ट्रैक में देंगे, इंसुलेटेड जोन में ही। इससे क्या होगा वो समझिए, जब नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा रिले ड्रॉप रहेगा, ओके, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई व्हीकल का आ जाएगा, ओके, तो अब व्हीकल आने से क्या होगा वो समझिए। देखिए, अपना सर्किट ऐसे 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 इस तरीके से जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ उस डायरेक्शन सर्किट पूरा होगा, तो हमारा ये रिले जो है ये पिकअप हो जाएगा, और जब रिले पिकअप होगा तो रिले से अटैच, रिले से पिकअप कंडीशन में अटैच जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीज़ है, वो इंडिकेशन दिखाएंगे कि हाँ हमारा ट्रैक पे ट्रेन आ गया है। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे हमारा ट्रैक सर्किट काम करता है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं।
एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए अपना एक सेक्शन है, ठीक है, तो सेक्शन में आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है कि बैटरी की सप्लाई है, ये शायद अपोजिट लग रहा है मेरे को, उल्टा लग रहा है, ये बैटरी की सप्लाई है जो यहाँ से हो करके ऐसे इस रिले को गया है और फिर सर्किट यहाँ से रिटर्न हुआ है। अब देखिए क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ कोई व्हीकल नहीं होगा, ये जो है ना, ये दिखा रहा है कि ट्रैक लंबा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं कि ब्रेकेज है, ये लंबा है। हाँ, इंसुलेशन यहाँ पे है जो मैंने पीछे दिखाया था, तो मैंने सर्किट, हमने देखा कि ये सर्किट यहाँ से घूम करके ऐसे हो रही है, मतलब जब ये सर्किट का करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा तो हमारा ये मैग्नेट जो सिग्नल रिले है, यानी जो ये कंडीशन में है, ये अपना मैग्नेटाइज कंडीशन में होगा और इस बार को पिकअप कंडीशन में रखेगा। और देखिए ये इस बार का इंडिकेशन हमारा बताएगा कि ये ग्रीन से कनेक्टेड है, तो जब हमारा ये सोलेनोइड मैग्नेटाइज कंडीशन में रहेगा तो वो ग्रीन सिग्नल को ऑन रखेगा। मतलब ये समझिए कि जब यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं है तो हमारा जो ये पिकअप होकर के ग्रीन सिग्नल को देगा, मतलब इसमें अब ट्रेन कोई आ सकती है, इसमें कोई ट्रेन आ सकती है, हमारा ट्रैक खाली है ये, ठीक। अब वैसा कंडीशन जब कोई ट्रेन आ जाए, ये देखिए जब कोई ये जो दिख रहा है ना, ये एक एक्सेल है, एक ट्रेन का जो चक्का बोलते हैं वो एक्सेल है, इलेक्ट्रिकली ये कंटिन्यू देता है। अब देखिए जब पहले जो पाथ पूरा हो रहा था वो एक्सेल आने के बाद शॉर्ट हो गया, अब सर्किट यहीं से पूरा हो जा रहा है, ओके। तो जब सर्किट यहीं से पूरा हो जा रहा है तो हमारा जो ये था ड्रॉप कर गया, और जैसे ही ड्रॉप किया तो ये ग्रीन सर्किट को ब्रेक कर रेड को क्लोज किया। तो मतलब ये हम लोग सिग्नल में पढ़े हुए कि रेड देखने का मतलब आप रुक जाइए, वो यही है कि ये रेड चल रहा है, मतलब आगे व्हीकल है, आप रुक जाइए। ये एक ट्रैक सर्किट जो परफॉर्मिंग ऑप्शन होता है वो ऐसे ही करता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एप्लीकेशन ट्रैफिक का डिफिनेशन देख लेते हैं। इन अ ट्रैक सर्किट अ पोर्शन ऑफ रेल ट्रैक इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द एडजॉइंटिंग रेल एंड इंक्लूडेड अ सर्किट एनर्जाइज अ रिले। मतलब सिंपल अपना इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करके एक रिले उले का कंबाइंड सर्किट बनाते हैं जो रिले को एनर्जाइज करता है और दिखाता है कि हाँ कोई ट्रैक वैकेंट है या कोई रेल द्वारा ट्रेन द्वारा ऑक्यूपाइड है, ओके। ये हमारा सिंपल ट्रैक सर्किट है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं देख सकते हैं। सिग्नल के लिए करते हैं, लेवल क्रॉसिंग जो गेट जहाँ पे होता है, मानिए कोई गेट पे भी दिया जाता है सिग्नल, ताकि कोई भी व्हीकल मानिए क्रॉस कर रहा हो, फंस गया हो, तो ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल का यूज हम कर सकें। या फिर ऐसा भी इंटरलॉकिंग भी होता है, और रिले देने का एक और वजह है इंटरलॉकिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ह्यूमन देख के सिग्नल देता तो एरर होने की चांसेस थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिले से सिग्नल को इंटरलॉक कर दिए कि जब तक रिले नहीं मैसेज देगा अपना सिग्नल ऑफ नहीं होगा, सिग्नल हमेशा कंडीशन में रहेगा। हाँ, लेवल क्रॉसिंग गेट पे करते हैं, ब्लॉक सेक्शन, मतलब दो स्टेशन के बीच का सेक्शन होता है ना, उसको ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं, तो उसके बीच के लिए ऑटोमेटिक सेक्शन के लिए। अब देखिए सप्लाई के आधार पे अपन ने जो ट्रैक सर्किट को बांट रहा है वो ये है, एक तो डीसी देते हैं तो डीसी हो गया, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं जिसको एएफटीसी के नाम से जानते हैं, और एक एसी ट्रैक सर्किट। तो डीसी जो ट्रैक सर्किट होती है उसका दो टाइप, एक ओपन डीसी ट्रैक सर्किट, एक क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट। आजकल के डेट में ओपन डीसी ट्रैक सर्किटिंग का जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां थी और डेंजर कमियां थी, जो मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ये मतलब आजकल अच्छे से है। इसमें इसके दो टाइप हैं, कोड नॉन कोड, ठीक है, और हाँ ये क्लोज डीसी सर्किट भी है, और एक है एसी ट्रैक सर्किट। एसी ट्रैक सर्किट में
सॉरी यहाँ पे मिस मिस प्रिंट है, ये है 82 log 1/3 ऐसा ही कुछ है। तो हमारा एसी टैग सर्किट। तो अब आगे आते हैं, अब देखते हैं स्टार्टिंग डीसी का ओपन टैग सर्किट से, डीसी टैग सर्किट का ओपन टैग सर्किट चेक करते हैं। तो डीसी टैग सर्किट जिसमें हम लोग डीसी फीड करते हैं, अब आते हैं डीसी का ओपन टैग सर्किट में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम लोग देखेंगे अपना ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ट्रैक रिले हो गया, फिर उसके बाद ये जो ट्रैक केबल का जो लीड है वो कनेक्टिंग वगैरह के लिए हो गया, फिर उसके बाद जो हम लोग ट्रैक से कनेक्शन लाते हैं वो जी आई वायर गैल्वनाइज्ड आयरन वायर से लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रैक का कनेक्शन होता है, हम लोग जो फिस प्लेट से जोड़ते हैं ट्रैक को, उसमें इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी देने के लिए कंटिन्यूटी बॉन्ड हो गया, और ये जो है हमारा ये रेल का इंसुलेशन हो गया जो मैं दिखा चुका हूँ। तो बेसिकली एक इतना इक्विपमेंट रहता है ट्रैक सर्किटिंग में, इसका ऑपरेशन हम बता चुके हैं। जिसके ट्रैक रिले का दो कंडीशन, वो एक रेड दिखाएगा एक ग्रीन दिखाएगा, ओके। अब हम रेड और ग्रीन सिग्नल का कनेक्शन ट्रैक रिले से किस आधार पे करते हैं वो इस बात को सिग्नल देगा। तो हम इस पे कर देंगे कि जब सर्किट ओपन हो, देखिए सर्किट ओपन डीसी सर्किट कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब हमारा सर्किट यहाँ से ऐसे ओपन है, जब व्हीकल सर्किट नॉर्मल कंडीशन में क्लोज नहीं है, इसलिए इसको डीसी ओपन सर्किट का नाम दिए हैं, ओपन डीसी सर्किट ट्रैक सर्किट। अब ये जब व्हीकल आएगा, जैसे मैंने बताया पिछली बार में, वो क्लोज होगा और इंडिकेशन पूरा देगा। तो ये हमारा है ओपन ट्रैक सर्किट का कंडीशन। अब इसमें देख सकते हैं द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द ट्रैक इज ऑक्यूपाइड थ्रू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल। जैसे ही कोई भी एक्सल आएगा व्हीकल का, वो ट्रैक सर्किट पूरा होगा वो एक्सल के थ्रू, ठीक है। अब जो सीरीज रेजिस्टेंस दिए हैं उसका कुछ यूजेज है, देख सकते हो यूजेज लिखा हुआ है कि द सीरीज रेजिस्टेंस इज सो एडजस्टेड टू गिव अ सफिशिएंट वोल्टेज टू रिले व्हेन एक्सल सेंट द रेल ट्रैक्स ट्रैक रेल्स। देखिए अब जब एक्सल सेंट करेगा रेल ट्रैक को, जब सर्किट पूरा होगा, तो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए थे उसका वैल्यू एडजस्ट कर रखना है ताकि वोल्टेज सफिशिएंट हो, रिले पिकअप हो सके, एनर्जाइज हो सके, ठीक है। With the high contact resistance, it is also be ensured that the relay does not get without shunt a voltage enough to pick up it due to leakage current. अब देखिए रेल जो रखे होते हैं वो स्लीपर पर रखे होते हैं, और स्लीपर ठीक है इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी नॉर्मल नहीं देते हैं, लेकिन उसमें लीकेज करंट होते हैं, और बारिश के दिनों में या फिर स्लीपर क्रैक वगैरह हो जाए तो कभी कभी लीकेज करंट बढ़ जाती है। तो उसको मतलब उसका इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग भी रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वो जो स्लीपर के रेजिस्टेंस के कारण अगर इम्पैक्ट आएगा तो सर्किट फर्स्ट कंडीशन में पिकअप कर जाएगा, तो उसका करते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, मैंने क्या बोला कि जब यहाँ कोई ट्रेन नहीं है तो सर्किट ओपन रहेगा, ठीक। अब दो चीज़ मानिए, यहाँ पर ट्रेन हो एक चीज़, और दूसरा चीज़ ये केबल ब्रेक कर जाए। ट्रेन होने के बाद जब केबल ब्रेक करेगा तो उसको तो लगेगा सर्किट ओपन है, वो ग्रीन सिग्नल देगा और कोई और व्हीकल आकर के हिट कर जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यूज में नहीं लिए, बहुत मतलब माइनर यूज लिए इसी ड्रॉबैक के कारण, मेन ड्रॉबैक, ठीक है। डिसएडवांटेज, देखिए दिस टाइप ऑफ ट्रैक सर्किट इफ़ एनी कनेक्शन इज ब्रेक ट्रेन ऑक्यूपेशन गोज अनडिटेक्टेड। जब कोई ब्रेक हो जाएगा तो ट्रेन है उसको जानकारी नहीं निकालेगी, ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट, तो क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट का डायग्राम आप देख सकते हैं। बेसिकली आपका ये एक बैटरी हो गया जो एनर्जाइजिंग फीड रहेगा, मतलब ये आपका इसे फीडिंग पॉइंट है, सिंपल समझे तो ये सेक्शन फीडिंग है, ये सेक्शन रिले सेक्शन का सेक्शन है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एक ट्रैक में जब अगर सिंगल लाइन है तो डायरेक्शन दोनों तरफ का होता है, मतलब इधर से भी ट्रेन आएगी इधर से भी, डबल लाइन है तो डायरेक्शन फिक्स होता है। तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो रिले सेक्शन है वो सिग्नल सेक्शन में लगाएंगे,
जहाँ पर सिग्नल के नज़दीक रिले ट्रैक रिले को लगाएंगे और सेकेंड यूनिट में अपना बैटरी मतलब फीडिंग पॉइंट को लगाएंगे, फीडिंग अटैचमेंट जो उसका व्यवस्था करेंगे। तो सेम ट्रैक को इंसुलेट किए, ठीक है अपना, ये देखिए उसमें क्या किए हैं कि जो ट्रैक है दोनों इंसुलेशन उसमें एक हम एनर्जाइजिंग सोर्स है, बेसिकली डीसी सोर्स रहता है, इसे एक फीड देते हैं, और जो सेकेंड है उसमें हम ट्रैक रिले लगाते हैं। अब ट्रैक सर्किट पूरा होने के लिए सर्किट ऐसे जाएगा, करंट ट्रैक रिले को पिकअप कराते हुए क्लोज कंडीशन में रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस कंडीशन में हमारा ट्रैक जो रहेगा वो ग्रीन लाइट दिखाएगा, ओके, क्योंकि ट्रैक खाली है, रिले पिकअप है जैसे मैं पहले बताया था। अब जब कोई व्हीकल यहाँ पे आ जाएगी, ये ट्रैक को शॉर्ट करेगा, और जैसे ही ट्रैक शॉर्ट होगा तो आपका ट्रैक सर्किट का करंट है वो ऐसे पूरा हो जाएगा और ये आपका ड्रॉप कर जाएगा और सिग्नल फिर ये बनकर रेड दिखाएगा। ये है क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट। अब जो पहला ओपन डीसी ट्रैक सर्किट का जो ड्रॉबैक था वो यहाँ रेक्टिफाई हो गया, कैसे वो देखिए। अपना नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन दिखा रहा है, अब सपोज करिए कोई ये ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, ठीक। तो जब भी ब्रेक करेगा या फिर ये ब्रेक करेगा तो ये एनर्जाइज कंडीशन में नहीं रहेगा और अपना ये रेड दिखाता रहेगा। ब्रेक करने का सेंस, अगर ये ब्रेक करता है तो मतलब सर्किट में करंट यहाँ नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है मतलब कि ये समझेगा सिस्टम कि करंट पहले ही से पूरा हो जा रहा है, कि मतलब कोई एक सेल है, तो यहाँ का इसका ये ड्रॉबैक कम हो जाता है। इसमें इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इन द क्लोज ट्रैक सर्किट फीड इज कनेक्टेड टू वन इन एंड ट्रैक एंड द रिले एट द अनदर इंड, एक में फीड कनेक्ट किया, दूसरे इंड में रिले कनेक्ट किया, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग ये एनर्जाइज रहता है नॉर्मली ये, और ट्रैक रिले ड्रॉप्स व्हेन सेंटर्ड बाय ट्रेन, और जैसे हमने बताया कि जब भी कोई एक्सेल आएगा तो वो ट्रैक रिले को सेंटर कर देगा, ठीक है। ये उसका एग्जांपल है, फोटो के साथ देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन जल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रैक आएगा तो ये अपना रेड हो जाएगा, या फिर ट्रेन नहीं भी आए और ये केबल यहाँ से ब्रेक कर जाए तो ये रेड ही दिखाएगा, क्योंकि सर्किट में आपका करंट नहीं आएगा। ये उसको इसी कारण इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हमने डीसी ट्रैक सर्किट पढ़ लिया तो अब हम आते हैं एसी ट्रैक सर्किट में, ठीक है। देखिए डीसी ट्रैक सर्किट का जो हम लोग यूज करते थे वो नन मतलब इलेक्ट्रिफाइड एरिया में यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिफाइड हुआ तो डीसी एसी ट्रैक सर्किट भी इंट्रोड्यूस हुआ नीड के अनुसार। अब देखिए जब ऊपरी एसी ट्रैक सर्किट में क्या होता है कि हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, ओके, और उससे अपना ये पिकअप होता है, ठीक है। तो एसी सप्लाई देना और पिकअप कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि एसी ट्रैक सर्किट में क्या करते हैं, सेम आप इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करेंगे सिस्टम को जब नॉर्मल कंडीशन में हो तो, ठीक है। अब फीड देने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर फीड दिए, फिर अपने इधर रिले लगा हुआ है, ये पिकअप किया। अब एक चीज़ जो एसी का रिले होता है उसमें दो फेज चाहिए और पिकअप करने के लिए सफिशियंट वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज के साथ साथ जो सिंगल फेज में लोग क्या देखेंगे मोटर में कि दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेस होना चाहिए ताकि दोनों आपस में पिकअप हो सके, एंगल बन सके। अगर दोनों में एंगल कम होगा तो वो टॉर्क नहीं लगने देगा। तो एसी ट्रैक सर्किट में ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि एसी ट्रैक सर्किट। अब एसी ट्रैक सर्किट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर डीसी ट्रैक सर्किट काम में नहीं है, ओके। द वर्किंग ऑफ एन ए सी ट्रैक रिले रिक्वायर्स नॉट ओनली अ गुड वोल्टेज फ्रॉम अ ट्रैक बट ऑल्सो अ कंसिडरेबल फेज डिफरेंस इन ट्रैक वोल्टेज विथ रेफरेंस टू द वोल्टेज अप्लाई टू वन ऑफ द रिले वाइंडिंग लोकली। जब जो हम लोग यहाँ पे
देखिए ना, ये जो लोकली स्पीड दिए थे इसके तुलना में वोल्टेज भी ठीक ठाक होना चाहिए, और साथ में इसका फेज एंगल हो, तभी वो अपना इसको रिले को पिकअप करा पाएगा। एप्लीकेशन देखिए, हेंस एसी ट्रैक सर्किट आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली इन द डीसी ट्रैक्शन एरिया। ठीक है, जैसे इंडिया में बात करें तो बॉम्बे के डिवीजन में जो डीसी था 300 वोल्ट का, उसमें यूज करते थे। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू वर्क विथ एसी ट्रैक सर्किट। अब जो हमारा एसी ट्रैक्शन सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ। और आजकल जब टेक्नोलॉजी हाई हो गई है तो हम लोग किसी में किसी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के डीसी ट्रैक सर्किट को भी एसी और डीसी ट्रैक्शन यूज करते हैं, और साथ में एसी ट्रैक सर्किट का भी कुछ मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके एसी और डीसी ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमने जो ये दिखाया ये फोटो, और जब अगर आपका सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पर डीसी काम करे तो हम लोग डीसी से यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को फेज डिफरेंस वगैरह मेंटेन करने में ज़्यादा इक्विपमेंट लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जहाँ पे एसी ट्रैक्शन हो वहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए क्या है नॉर्मल, कि सबसे पहले तो एसी ट्रैक सर्किट यूज कर देंगे तो 25 वोल्ट रन कर सप्लाई रहता है, अब उसका 50 फ्रीक्वेंसी रहता है। तो अगर हम लोग इस ट्रैक सर्किट, हाँ, और जो रिटर्निंग करंट होता है ट्रैक का वो रेल से जाता है, ट्रैक्शन करंट रेल से जाता है, ये उसका ध्यान रखें। अब ट्रैक्शन करंट रेल से जाता है, अगर उसी सिस्टम का हम लोग नॉर्मल सप्लाई भी देंगे तो क्या होगा हमारा, कि वो चीज़ रिले ट्रैक में आएगा और ट्रैक रिले को डैमेज कर देगा। ओके, तो उससे मतलब बाहर आने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं। देखिए, एक तो है कि सिंगल रिले, सॉरी सिंगल ट्रैक, मतलब जो ट्रैक है उसमें एक का यूज करते हैं और एक में डबल का यूज करते हैं। तो बेसिकली नॉन एसी में तो ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, लेकिन इलेक्ट्रिकली जहाँ पर 25 kV चार्ज है वहाँ पर क्या करते हैं वो समझिए। देखिए, अपने पास एक सिंगल एसी में दो है, एक सिंगल ट्रैक है एक डबल ट्रैक है। ठीक है, तो सिंगल रेल का जो ट्रैक सिस्टम है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक सेक्शन को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, जब एक सेक्शन को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किए तो जो ट्रैक्शन करंट जाने के लिए ये अपना सेकेंड पाथ से निकल जाएगा, और इसको सेकेंड पाथ जब लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा अपना सर्किट पूरा करने के लिए तो सिस्टम में नहीं आएगा। और सेम हम यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगाते हैं, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करके ट्रेन के प्रेजेंस के आधार पर यहाँ पे ये रिसीविंग नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म कर देगा कि हाँ ट्रेन है या नहीं है। ये हमारा सिंगल ट्रैक सर्किट, जैसे रिले पिकअप का कॉन्सेप्ट सिग्नल रेड ग्रीन होना जैसे डीसी बताते हैं उसी तरीके से होता है, बस इसमें एसी अरेंजमेंट के साथ किया जाता है। ये हमारा सिंगल ट्रैक सर्किट। लेकिन अब वैसा केस जब डबल रेल ट्रैक सिस्टम यूज करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें भी ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ओके, लेकिन देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी को 83.83/3 पे जाते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे क्या होता है, जो सप्लाई आता है उसका 50 हर्ट्ज और इसका 83.3 हर्ट्ज। ठीक है, 83.1/3, तो इसलिए हमारा मतलब सिंपल सा है। तो एक यहाँ पे अरेंजमेंट लगाते हैं, ये बॉन्ड जो नॉर्मल बॉन्ड लगाते हैं ना, ये बॉन्ड उससे थोड़ा सा हट के होता है। बॉन्ड बेसिकली करंट को फ्लो करने का पाथ होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड में एक फिल्टर लगा देते हैं अपन, और उसका नाम देते हैं इम्पीडेंस बॉन्ड। वो इम्पीडेंस बॉन्ड क्या करता है कि वो करंट के पाथ को बांट देता है कि लो फ्रीक्वेंसी पाथ इसमें जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पाथ इसमें जाएगा। और उसको ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि जो ट्रैक्शन करंट था 50 हर्ट्ज का वो आराम से लो रेजिस्टेंस पाथ देखते हुए उधर निकल जाए, और जो हमारा ये जो ट्रांसमिटिंग सिस्टम में रिसीविंग में जो सिग्नल आएगा, जो सिग्नल के मतलब पर्पस जो होता है, जो ट्रैक सर्किटिंग का जो करंट रहता है वो ट्रैक सर्किटिंग का करंट को इस पाथ में बहुत हाई रेजिस्टेंस दिखेगा तो वो इस पाथ को लास्ट में आएगा, और ट्रैक सर्किटिंग के जो ट्रैक्शन करंट के लिए वो इस पाथ से होकर निकल जाएगा। बेसिकली इसमें वही हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, एक्सेल बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस, कि आपका फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सेल का वैल्यू लो होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्सेल का वैल्यू ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो ट्रैक्शन के तुलना में वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इम्पीडेंस बॉन्ड से उसको लगता है कि हाई रेजिस्टेंस पाथ है अपना ट्रैक्शन फिटिंग करंट को, तो वो इस पाथ को पूरा करता है, और ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको लगता है कि ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इसी में जाते हैं। इस सिस्टम का यूज हम पावर सिस्टम में भी करते हैं। वेव ट्रैप का आप लोग नाम सुने होइएगा, वेव ट्रैप भी सेम फंक्शन पर काम करता है कि वो जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या करते हैं कि एक हम लोग यूज करते हैं, दो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, एक कम्युनिकेशन के लिए, एक पावर लाइन के लिए। तो जो पावर लाइन हमारा है वो 50 हर्ट्ज का है और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बहुत किलो हर्ट्ज में होती है। तो वेव ट्रैप में फिल्ट्रेशन का काम करता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए आते हैं उसको सिस्टम में जाने के लिए रोक देता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, और वो उसको आप जो पैनल कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे कम्युनिकेशन तक के लिए पहुँचा देता है। तो सेम फंडा पे ये भी अपना ट्रैक सर्किट काम कर रहा है। रेस्ट पोर्शन आगे देखेंगे।